स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने का मशीन है, भाकपा माले ने जताया विरोध। माले नेता जितेंद्र पासवान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, मोदी सरकार जिस तरह रेल भेल तेल इत्यादि को निजी हाथों में बेच दिया है, उसी तरह बिजली विभाग को भी अड़ानी के हाथों बेच दिया है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के गोपालगंज में लग रहे बिजली की स्मार्ट मीटर को लेकर आज भाकपा माले ने राज्य स्तरीय प्रतिवाद मार्च निकाल इसका विरोध जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इनोस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पासवान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान माले नेता जितेंद्र पासवान ने केंद्र के मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं भोरे चार मुहानी चौक पर सभा को संबोधित करते हुए माले नेता ने कहा कि मोदी सरकार जिस तरह रेल भेल तेल इत्यादि को निजी हाथों में बेच दिया है, उसी तरह बिजली विभाग को भी अडानी के हाथों बेच दिया है। सरकार स्मार्ट मीटर नहीं, गरीबों का खून चूसने वाला मशीन लगा रही है। जो सामान्य मीटर है उसकी अपेक्षा स्मार्ट मीटर से 2 गुना अधिक बिजली बिल आ रहा है। कार्यक्रम संबोधन के दौरान माले नेता ने यह भी कहा कि सरकार पहले बिजली का टाइमिंग फिक्स करे, जर्जर तारों को पोल से हटाया जाए, साथ ही दिल्ली पंजाब कर्नाटक के तर्ज पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार के लोगों को दिया जाए। आप बता दीजिए कि अगर ये स्मार्ट मीटर लगेगा, अगर एक घर में 2,000 से 3,000 रुपया बिजली बिल आएगा, तो कैसे गरीब लोग ये बिजली बिल को दे पाएंगे। तो इसलिए हम लोग का जो संगठन इंकलाबी नौजवान सभा जो संगठन है, उसके द्वारा आज पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। और हम लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर का कोई जरूरत नहीं है, और इस प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में आप पता कर लीजिएगा कि हिंदुस्तान का वो पहला स्टेट है बिहार कि जहां बिजली दर सबसे ज्यादा महंगा है। और हिंदुस्तान के अंदर 3 जो स्टेट है, पंजाब दिल्ली और कर्नाटका, ये 3 स्टेट में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। तो हम लोग इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर के द्वारा हम लोग मांग कर रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री बिहार के अंदर मिलना चाहिए। ये आज इसका इसलिए मैं ये लोग प्रतिवाद मार्च जो निकाले हुए थे, तो ये भाकपा माले का जो युद्ध संगठन है इंकलाबी नौजवान सभा, तो इंकलाबी नौजवान सभा की तरफ से आज पूरे प्रदेश में जो बिहार में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर का आज पूरे प्रदेश में विरोध किया गया हुआ है। और ये साफ साफ कहा गया हुआ है कि अडानी का जो ये स्मार्ट मीटर जो लग रहा है, ये बिल्कुल बिहार के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। दूसरा सवाल है कि हिंदुस्तान के 3 जो स्टेट है, पंजाब दिल्ली कर्नाटक, उस प्रदेश में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, तो उसके तर्ज पर बिहार के अंदर भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। और तीसरा मेरा सवाल है कि बिहार में जो लोग यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों के घर पर मनमानी तरीका से बिजली बिल जाता है, जिसका जो लोग यूज करते हैं, बहुत सारे गांव में जो लाइट जो लोग यूज करते हैं, तो एक घर में मात्र 3 ही काम होता है, एक बवल जरता है, पंखा चलाया जाता है, मोबाइल चार्ज होता है। और उन लोगों के घर में माने 500 से लेकर और 5-5 हज़ार रुपया बिल आता है। अभी हमारे पास एक लड़का आए हुए थे जिसका नाम है अजीत शर्मा, उनके घर पर 95 हज़ार रुपया बिल भेजा गया हुआ है। वो लोग बताइए कितना तबाह हैं। तो ये जो मनमाना तरीका से जो बिजली बिल जो भेजा जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के ये पहला स्टेट है बिहार जिसमें सबसे ज़्यादा बिजली दर है, तो इस पर नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए और बिहार के अंदर 200 यूनिट बिजली बिल तुरंत इनको लागू करना चाहिए। बिहार विधानसभा में बिल लाना चाहिए और पूरे बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री में देना चाहिए। और इसके साथ साथ जिन लोगों का बिजली बिल 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बकाया है, तो फौरन यह इंकलाबी नौजवान सभा मांग कर रही है कि उन लोगों का बिल सरकार को माफ़ करना चाहिए।